हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु दीपांजलि आपण मानक स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल दीपास ब्लॉग को। आज मु आपण मानको चना तरकारी रो रेसिपी शेयर करबी। जदि मो वीडियो टी आपण मानको पसंद आसे ताहले मो वीडियो को लाइक करबो को, शेयर करबो को आ मो चैनल को सब्सक्राइब करियो को जमार भी भूलिबेनी। ताहले देरी न करी चलंतु वीडियो टी को स्टार्ट करिवा। देखंतु मु प्रथमे 250 ग्राम रो चना को पानी रे बतराई राती सारा छाड़ी देथिली। एबे एहा को आमे प्रेशर कुकर रे पानी, लुण ओ अल्प हळदी दे सिझाई नेबा। एहा सिझिबा भितरे आसंतु एहि तरकारी पई आवश्यक सामग्री गुडी को जान नेबा। एथि पई मु नेई छी लुण, जीरा गुंड, लंका गुंड, किछि पोस्त जाको आमे पेस्ट करिबा, एपरे हळदी गुंड, दुई प्रकार जीरा नेछि धळा जीरा ओ कळा जीरा, एपरे मु नेछि किछि गरम मसला, किछि चणा मसला मध्य नेछि देखि पठबे एवं किछि गोलमरीच गुंड मध्य नेछि। या सहित मगज नहीं जोटा कि आम मगज उपस्तर पेस्ट करिवा, जहाँ कि आम तरकारी को बहुत स्वादिष्ट बनइब। यापर मुझे अदा रसुण पेस्ट मध्य नहीं, दुईटी मीडियम साइज टमाटो को काटि नहीं, गोटे बड़ प्याज को मध्य काटि नहीं। देखु मगज उपस्तर पेस्ट मध्य मुझे प्रथमे मु कड़ाई रे किछि सोरिष तेल पकाई नहीं छे एवं तेल गरम हेला परे मु एथिरे दुई प्रकार जीरा को पकाई नहीं छे, धळा जीरा जो जीरा में व्यवहार करंती आउ कळा जीरा। एहा परे एथिरे मु काटी रखतिबा प्याज गुड़ी को दे दउ छे। एबे आमे प्याज गुड़ी को बहुत भलो भाबरे भाजी नबा। ओ प्याज गुड़ी को भाजी हे सरला परे आमे एथिरे अदा रसुण पेस्ट देबा। देखंतु एपरि भाबरे भल भाबरे प्याज गुड़ी को नाली पड़ा पर्यंत भाजी नेबा। प्याज गुड़ी को आमे लो टू मीडियम फ्लेम रे ही भाजीबा, नहले प्याज गुड़ी को पोड़ी मध्य जाय परे। देखंतु आमर प्याज गुड़ी को बहुत भल भाबरे भाजी हे जाय छे। एबे आमे एथिरे अदा रसुण पेस्ट देबा। देखि पड़े मु अदा रसुण पेस्ट दे दीजिए। एबे आमे फ्लेम को लो करके मसला टी को भल भाव कसिबा। मसला कसिबा समय रे केबे हेले गैस रो फ्लेम को हाई करिबेनी, कहीं यहाँ आमर मसला टी पोड़ी जाई थाए, जहाद्वारा मो तरकारी पिता लगी थाए। तो से मसला कसिबा समय रे गैस रो फ्लेम टी को लो रे ही रखिबे। देखंतु मसला टी बहुत भल भाव प्रस्तुत हो जाइछि। एबे एथिरे मु रखिथिबा कटा टमाटो गुड़ी को देबी। आपण चाहिले एथिरे टमाटो को पेस्ट करि मध्य दे पारिबे। टमाटो गुड़ी को मसला रे भल भाव गोलाइ सारिबा परे लिड रे कवर करि 2-3 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे सिझिबा पई छाडि देबा। दुई तीन मिनिट परे
आम टमाटो गुड़िक बहुत भल भाव सीझी जाइए। एबे आम एगुड़ी को खड़िका साहाज्य भलरे मिक्स कर नबा। देखु टमाटो गुड़िक मसला सहित बहुत भल भाव मिक्स हो जाइए। एबे मु एथिरे बाकी तक मसला गुड़ को देबी। एथिरे मु 1.5 चम्मच हल्दी गुंड देछि, यापर मु 1.5 चम्मच लंका गुंड देछि, लंका गुंड परे एथिरे मु 1/2 चम्मच जीरा गुंड देछि, यापर मु 1.5 चम्मच गरम मसला देछि। गरम मसला परे मु 1/2 चम्मच गोलमरीच गुंड देछि, यहाँ परे एथिरे मु 2 चम्मच चना मसला देछि। आपण माने चाहिले एथिरे धनिया गुंड मध्ये दे पारिबे। एबे मसला गुड़ी को भल भाव गोळेनी एथिरे अल्प पानी दे एहाकु 1.5 रु 2 मिनिट पर्यंत भल भाव सिझिबा पई छाड़ी देबा। देखु मसलाटी तेल छाड़ा आरंभ कर देछि, यार अर्थ आम मसलाटी बहुत भल भाव प्रस्तुत हो जाए। मुझे ए रखि मगज और पोस्तर पेस्ट टी दे देछि, भल भाव गोल एवं कि पा देदे और कवर कर 2 मिनिट पर्यंत सिझिबापाई छाड़दे। तो जेपर्यंत मसलाटी सिझुची से पर्यंत मुझे गार्निशिंग टमाटोर पोस्टमार्टम कर चलतु देखने। दुई दिन ते हार्ट अटैक पेसेंट मृत्यु हो जाता से यार पोस्टमार्टम मत करा पड़ा। जदि आपण मान पाखे कहीं एमती सीरीयस पेसेंट थे जार आपने पोस्टमार्टम करवाक चाहूबे ताहले निश्चित भाव में मत जोगाजोग करेंगे। देखु मसलाटी भल भाव प्रस्तुत हो जाए। आम ए सीझा चना वो आलू को देबा। चना और आलू को भल भाव मसलार गोल लुण और पानी दे देबा और यह को कवर करी 3 मिनिट पर्यंत सिझिबा पई छाड़ी देबा। देखु आम चना तरकारी बहुत भल भाव सीझिक प्रस्तुत हो जाए। एबे मु एथिरे किछि कटा धनिया पत्र दे दीछे। तो एबे तरकारी को भल भाव गोलाई एहाको गोटे सर्विंग बाउल को काढ़ी नबा। एबे आमे एथिरे किछि कटा धनिया पत्र टमाटो कंचा लंका देकी भल से गार्निशिंग करनबा। ताहले नियंतु एथर प्रस्तुत होगला आमर अति स्वादिष्ट चना तरकारी। ताहले आपण एमिति प्रोसेस रे आपण घरे चना तरकारी बनांतु।
ତାହାକୁ ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।